गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में आपका कैश बजट का एक एग्जांपल किया, काफ़ी अच्छा लेवल था वो भी, और आज मैं फिर एक एग्जांपल आपका लाया हूँ कैश बजट का ही, लेकिन उससे भी हाई लेवल। ओके, अब जैसे से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल आपकी बढ़ती जाएगी। तो चलो आज का एग्जाम्पल पहले डिस्कस करते हैं और फिर हम सॉल्व करेंगे। ओके, ध्यान देंगे सभी लोग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। प्रिपेयर द कैश बजट ऑफ लिनक्स वायर इंडस्ट्रीज। अब लिनक्स वायर इंडस्ट्रीज फॉर द जुलाई अगस्त एंड सितंबर, तीन महीने का उसने अपने वो कैश बजट पूछा है। इन द कॉलमनर फॉर्म यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कॉलमनर यानी क्या, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला कॉलम जो है ना, वो उस फॉर्मेट में अपने को रिसिप्ट क्या बनाना है, अपने को कैश बजट बनाना है। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। अब आगे उसने क्या दिया है इसको देखते हैं एक बार। आगे वो बता रहा है, अब उसने अपने को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है अप्रैल से, आप देख रहे हो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, इतने महीने की इन्फॉर्मेशन दिया। अब इसमें क्या है, तो देखो इसमें एक्चुअल कुछ दिया हुआ है और कुछ बजटेड दिया हुआ है, यानी एस्टिमेटेड। अब पूछो क्यों, यानी पेपर वाला जो एग्जाम्पल वाला जो बना रहा है उसका कहना है कि वो जून महीने में रह के हुए, जून महीने में रहते हुए जुलाई अगस्त सितंबर की प्रोविजन करना चाहता है, कैश बजट कैश की प्रोविजन करना चाहता है, इसलिए वो कैश बजट प्रिपेयर करना चाहता है। अब सर एक्चुअल क्यों लिख के दिया उसने, आपके माइंड में आया होगा, नहीं आया? हाँ आया, इसलिए क्योंकि वो ये महीने परफॉर्म कर चुका है, ये मैंने परफॉर्म कर चुका है। अभी तक के हमने कैश बजट में जितने भी एग्जांपल लिए उसमें जो ऊपर के महीने थे वो भी परफॉर्म नहीं हुए थे अभी तक, हम पास की इन्फॉर्मेशन से हम फ्यूचर का कैश बजट प्रिपेयर करते, लेकिन यहाँ पे वो जून तक आ चुका है, इसलिए जो भी उसने एक्सपेंसेस पेड किए होंगे या इनकम उसने गेन की होगी वो एक्चुअल है, और जिस मंथ का वो फ्यूचर फॉरकास्टिंग देखना चाहता है इसलिए उसने वहाँ पर उस मंथ में आपको नाम दिया है बजटेड लिख के, यानी एस्टिमेटेड। क्लियर पिक्चर, यानी वो जून में ही खड़ा है एग्जामने वाला, और जून में खड़ा रहते हुए बोल रहा है जुलाई अगस्त सितंबर का अपने को बजट बना के दो। अब क्योंकि जुलाई से स्टार्ट हो रहा है तो ओपनिंग जुलाई का कैश बैलेंस आपको गिवन होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से है, यस नीचे दिया है उसने अपने को, कैश एंड बैंक बैलेंस एज ऑन जुलाई वॉज 1,15,000। आपको दिख रहा है सभी को, चलो यानी जुलाई मंथ का उसने अपने को बजट प्रिपेयर ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है, ठीक है। पहले मैंने कहा क्या, कुछ नहीं, बस तीन महीने का अपने को एस्टिमेटेड वैल्यू दी हुई है। हाँ तो ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस दोनों कर देना है बस, ठीक है। अपने को उससे कुछ करना नहीं, पूछो क्यों, क्योंकि उस जो परफॉर्म हो चुका है उसका वैसे भी कैश बजट आपको बनाना ही नहीं है। हाँ यानी वो जून महीने में खड़ा है सामने वाला, इसलिए उसने एक्चुअल दिया हुआ, यानी वो यहाँ तक परफॉर्म कर चुका है और वो अगले महीने की उसके अगले महीने की प्रोविजन करना चाहते हैं, कैश कितनी अवेलेबल है और कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है, कितना डेफिशिएंसी आ रही कि सरप्लस है, वो देखना चाहता है सामने वाले कंपनी, तो उसके लिए बनाएंगे हम फॉरकास्टिंग के लिए कैश की पोजिशन जानने के लिए कैश बजट, ठीक है। चलो शुरू करें, जुलाई से स्टार्ट किया है। हाँ अब दो मिनट ध्यान दो, अब देखते हैं इनफ्लो के सोर्सेज कितने हैं और आउटफ्लो के सोर्सेज कितने हैं। अब पहला है सेल, सेल से नोटा आती की जाती तो ये रिसिप्ट में जाएगा, परचेस से जाती, वेजेस से जाती, एक्सपेंसेस से भी जाती। अब नीचे दिया है देखो, उधर 10% ऑफ द सेल्स एंड 20% ऑफ द परचेस फॉर कैश। अभी तक तो एक ही था, अब दोनों आ गए। मैंने आपको कहा कि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे वैरायटी आपकी बढ़ती जाएगी, तो अब यहाँ पे दोनों करना है। यहाँ पे अभी तक क्या था, अभी तक के कैश में था सेल्स में कि 10% 20% कैश सेल्स है, बाकी क्रेडिट है, और परचेज तो पूरा वो तो उधारी है, लेकिन यहाँ पे वो परचेज भी बोल रहा है 20% कैश में है और बाकी उधारी है, तो अपने को जितना मैंने माल 20% परचेस किया है तो उसकी पेमेंट तो उसी महीने में जाएगी, और बाकी पेमेंट कब जाएगी देखते हैं, नीचे दिया उसने।
अब यहां तक के ट्विस्ट सिर्फ डाला नहीं, इसमें फर्क क्या है, इसमें आपको अभी तक के एग्जाम्पल में क्या था, कैश का सेल्स था सिर्फ, परचेस पूरा उधारी था, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 10% कैश सेल्स में और 20% परचेस कैश में। तो परचेस जब 20% कैश में करोगे तो उसकी पेमेंट आपको उसी महीने में देनी पड़ेगी, बाकी बचे कितने 80%। तो कैश से कैश क्रेडिट सेल बचा, क्रेडिट से कितना हुआ फिर 90% और क्रेडिट परचेस हुआ 80%। कैसे समझ में आ रहा है आपको, क्लियर? हाँ, अब आगे उसने दिया है, अब पिक्चर सिर्फ इतनी ही काफी नहीं थी, उसने और लेवल हाई करके दिया है अपने को। तो हाई लेवल क्या दिया है, 2 मिनट यहाँ पे ध्यान देंगे। बता रहा है द एवरेज ऑफ एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ इंडस्ट्रीज इज हाफ मंथ। हाफ मंथ कलेक्शन यानी क्या, कैश की। अब कैश की कलेक्शन कब होती, सेल्स से कि परचेस से, यानी इसका कनेक्शन किससे है। अब वो बता रहा है कि हर महीने जो हम कलेक्शन कर रहे हैं किससे, रिकवर फ्रॉम डेटर से या तो कस्टमर से, वो बता रहा है कि सभी महीनों का जब हम निकाल रहे हैं तो उसमें हर महीने एवरेज फॉर्म में आधी उसी महीने में आ रही और आधी नेक्स्ट मंथ में आ रही। तो कल अपन ने याद है वेजेस के लिए क्या था, वर्किंग हाफ मंथ की वही और हाफ मंथ की नेक्स्ट। तो यहाँ पे भी तुमको अभी क्रेडिट सेल की भी वैसी ही करनी पड़ेगी, यानी 90% जो क्रेडिट सेल है उसमें आधी अमाउंट उसी महीने में आ रही एवरेज फॉर्म में, अगर 12 महीने का कैलकुलेशन करें तो, और आधी अमाउंट नेक्स्ट मंथ में आएगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना सा ही दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसमें एक और है कि आधी अमाउंट अगर ये महीने की आ रही तो आधी अमाउंट पिछले महीने की भी तो आएंगी प्रेजेंट मंथ में। तो आपने को यहाँ पे वर्किंग करनी पड़ेगी, जैसे हमने वेजेस की वर्किंग की थी ना, वैसे यहाँ पे आपको अभी सेल्स क्रेडिट सेल की वर्किंग करनी पड़ेगी। वो कैसे होगा, एक एग्जांपल आपके आंखों के सामने से जाएगा तो आपको करते आ जाएगा, ये गारंटी मेरी। क्लियर पिक्चर? तो बिल्कुल पैनिक होने वाली नीड नहीं है, मैं आपको जस्ट यहाँ पे पोक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, बाकी परफॉर्म जब कराऊंगा तो अच्छी समझ आएगा आपको। क्लियर पिक्चर? जिनको यहाँ समझा समझा, जिनको नहीं समझा छोड़ देना, जब वर्किंग होगी तो अपने आप समझ जाएगा, ये गारंटी मेरी है। क्लियर पिक्चर? अब आगे उसने दिया है एंड क्रेडिट परचेस आर पेड ऑफ रेगुलरली आफ्टर 1 मंथ। तो बस वही बता रहा है कि जो 80% क्रेडिट परचेस था उसकी पेमेंट अपने को अगले महीने में करना है। तो जैसे अपन ने कैश सेल्स किया था ना, याद है, कैश सेल और रिकवर फ्रॉम डेटर, वैसे अपन कैश परचेस और पेमेंट फॉर क्रेडिटर्स एक साथ चलाएंगे। हाँ ठीक है, तो 20% पेमेंट हम उसी महीने में कर रहे हैं और बाकी की पेमेंट जो है वो अगले महीने में कर रहे हैं, इसका कोई पेनिक होने वाली नीड नहीं है। फिर यहाँ तक के प्रॉब्लम और सफिशियंट नहीं थी तो और प्रॉब्लम बढ़ा दिया उसने। फिर आ गया वेजेस वाला पॉइंट, कल का आया, याद है अपन किया था हाफ अमाउंट, तो पक्का करने के लिए फिर आपको एक एग्जाम्पल डाला हूँ आपके सामने। तो दिया है वेजेस आर पेड हाफ मंथली, यानी क्या, आधी वेजेस उसी महीने में आ रही आधी नेक्स्ट महीने जा रही। तो अपन को वर्किंग करनी है जैसे अपन ने कल किया था, ये कल वाला वैरायटी है तो ये मेरे लिए नया नहीं है, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करूँगा नहीं अपनी, ये जस्ट स्पोक कराऊंगा कैसे होता है एक वर्किंग के तौर पर, यानी आज वर्किंग बहुत है, आज के एग्जाम्पल में वर्किंग बहुत करनी है बहुत सारा, यानी अपने एग्जाम्पल से बड़ी तो अपनी वर्किंग दिखेगी। ओके, अब आगे उसने दिया है द रेंट ऑफ रुपीज 1500, द रेंट ऑफ रुपीज 1500 विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सपेंसेस इज पेड मंथली, वहां पे मंथली चाहिए। तो हर महीने 1500 रुपये अपन रेंट पेड कर रहे हैं, हर महीने अपन रेंट, ये मंथली है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ओके, यानी हर महीने हम रेंट पेड कर रहे हैं 1500 रुपये, तो आपको हर महीने में 1500 रुपये दिखाना है। ओके, ये एक्सपेंसेस के अलावा है। अब आगे आपको कैश बैलेंस दिया है तो बस वो करना है। अब सवाल आता है यहाँ पे, किसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, एक्सपेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, तो एक्सपेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिए तो क्या सेम मंथ में पेड करना है, तो बस यस सेम महीने में पेड कर दो, 17, 16 और कितना आएगा फिर 15, है ना,
तो सेम मंथ में जब कुछ नहीं दिया तो सेम मंथ में पेड करना, ओके क्लियर पिक्चर। और एक फुट नोट दे देना, फुट नोट, ड्यू टू अब्सेंस इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सपेंसेस आई कंसिडर द एक्सपेंसिस इज पेड इन सेम मंथ, क्लियर पिक्चर। एंड अपने अनुसार से अपन सेफ असाइड हो जाएंगे। चलिए तो फटाफट स्ट्रक्चर बनाए। देखो एग्जाम्पल बड़ा नहीं है, एग्जाम्पल से बड़ी आज की वर्किंग है। पूछो क्यों, तीन तीन चार चार चैलेंजेस दे दिए उसने, एक तो वो निपटाने अपने को। चलो तो एक बार अपन प्रोफार्म बनाते हैं और फिर शुरू करते हैं। तो कितने महीने का अपने को कैश बजट पूछा है बोलो? 3 महीने का। चलो फटाफट बनाएंगे, बनाओ फटाफट। हाँ बन गया पक्का, करना कैसे है ना। चलो करते ना बेटा, सेकेंड वाली तो न्यू है। अच्छा इसका एक्सेंट क्या आएगा, लाइनेक्स कंपनी आएगा कि लिनेक्स कंपनी आएगा? लाइनेक्स कंपनी, ओके लाइनेक्स कंपनी होगा ना, लाइनेक्स वायर इंडस्ट्रीज कंपनी। चलो तो लिखिए इन द बुक ऑफ एग्जाम्पल, बड़ा है टाइम लगेगा। बेटा अंदर रखो उसको, इन द बुक ऑफ लाइनेक्स वायर इंडस्ट्री ना, क्या बनाने को बोल रहा है? चलो बनाओ फटाफट, फिर 3 महीने का ये ना, ज्यादा लोड नहीं है। फिर फ्लेक्सिबल बजट इससे भी इजी अगर समझा तो। अच्छा ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ करा रहा हूँ इसलिए इजी है, पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ बोलिए, फॉर दी नहीं क्यों, ये अपन फ्यूचर के लिए बना रहे हैं। तो अपन यहाँ पे मंथ अंदर दिखा रहे ना, अब ये कैश बजट किस लिए बनता है? फॉर फ्यूचर, अभी तक जो मंथ परफॉर्म ही नहीं हुआ है उसके लिए फॉर द ईयर एंडेड कैसे दिखाए? आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर द मंथ 3 मंथ्स, यहाँ लिख सकते हो फॉर द 3 मंथ्स, लिख सकते हो यहाँ पे जून टू, चलो जुलाई टू, जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर, ऐसा लिख सकते हो अपने गुड फेट में, नहीं लिखा तो भी चलता, कोई हरकत वाली बात नहीं है। देखो जहाँ पे मार्क्स कटते ना वो मैं छोड़ता ही नहीं, तुमको पता है, लेकिन जो नेसेसरी नहीं है वहाँ पे मैं टाइम पास करवाता भी नहीं। अब हो सकता है कोई ट्यूशन क्लास वाला लिखा है यहाँ पे फॉर द 3 मंथ्स, कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, ऐसे लिख सकते हो आप, लेकिन मैं प्रिफर नहीं करता ये सब चीज़ें। ठीक है, अब एक स्टूडेंट ने पूछा है यानी उसने कहीं देखा है ऐसा कुछ, तो भी नहीं कैसे होता है, कभी कभी होता है कि स्टूडेंट्स क्या होता है, अभी जब फ्रेंड्स साथ बैठते हो आप लोग तो कोई और ट्यूशन क्लास में वो होगी तो वहाँ पे वो उनके सर लिखाते होगे, तो जहाँ मैंडेटरी जो चीज़ें हैं हम वो छोड़ते ही नहीं। चलिए पर्टिकुलर कौन सा मंथ है, जुलाई, जुलाई अगस्त एंड सितंबर अमाउंट, अच्छा लगता आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग पढ़ रहे हो उसमें इंडियन करेंसी दिखाना अच्छी बात है। आपको मालूम है आप जो भी पढ़ रहे हो 11 से
वो नॉट फॉर इंडिया है, होल वर्ल्ड में आपको अडॉप्ट होती है वो कहीं पे भी। अकाउंटिंग जो पढ़ रहे हो, ये पूरी वर्ल्ड में यही चलती है। चलो शुरू करें। ओके, सबसे पहले यहां पे आएगा ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। जान देना, लिख लूँ क्या? 115,000 लिखो। चलो पहले मैंने कहा मालूम है ना, अभी लिखो यहाँ पे रिसिप्ट। चलो अब यहाँ पे पहला है, देखो इधर आवाज नहीं कर रहा, देखो कैश सेल्स, और यहाँ पे हाथ लिखो रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स या तो कस्टमर्स। अब यहाँ पे क्या होता था भाई, 10% टू दे कैश में, बाकी 90% क्रेडिट करता था, तो अपने को लोचा आता नहीं था, लेकिन वो एवरेज कुछ भी लिख के दिया उसने। अब वो की वर्किंग करने के लिए, अब तो क्या है, अब यहाँ पे बता रहा है तो ध्यान दो। अब यहाँ पे तुमको एक वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग ऐसे ही करनी पड़ेगी जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो देखो फिर वर्किंग नोट नीचे, और ये वर्किंग मैंने सोचा था इजी वाली कराऊं, लेकिन वो इजी जम नहीं रही है, इसलिए ये थोड़ा हार्ड आएगा। ओके, वर्किंग लिखो, वर्किंग लिखो। सबसे पहला वर्किंग आएगा यहाँ पे कैश सेल की वर्किंग करेंगे पहले। अब कैश सेल्स की वर्किंग करेंगे जुलाई मंथ में, आओ जुलाई 2016 ईयर दिया है उसने, देखो ना। अब यहाँ पे दिया है 10% ऑफ सेल्स, कितना है? अब जुलाई का टोटल सेल कितना है? 185,000। अच्छा सॉरी, 190,000। अब 190,000 का 10% कितना होगा? ठीक है, फिर यहां पे दिखाना पड़ेगा तुमको अगस्त का एस एच, 10% ऑफ सेल्स। अब टोटल सेल कितना है? 185,000। दिख रहा है आपको क्वेश्चन में? क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो कोर्स में है, दी रहेंगी, और जो स्टूडेंट है उनको तो अब क्वेश्चन अवेलेबल है ऑफलाइन वालों का। तो कितना है? 185,000। अब 185,000 का 10% कितना होता? 18,500 रुपये। और फिर सितंबर महीने में आओ, अब 10% ऑफ सेल्स। ये वर्किंग क्यों कर रहा हूँ मैं? नहीं करते वैसे तो, आज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 90% क्रेडिट है, फिर उसका एवरेज निकालना है वो दिखाने के लिए, इसलिए। कितना आएगा? हाँ, अब नीचे दिखाओ उसको, लिखो यहाँ पे नंबर टू ऐसा वर्किंग। अब ये वर्किंग के लिए हमने पहली वर्किंग की, सिर्फ लिखो। अब वैसे लिखाने की जरूरत नहीं होती है, वो लिखो रिकवर्ड फ्रॉम डेटर, कैश रिकवर्ड फ्रॉम डेटर। अब यहां पे लिखना पड़ेगा तुमको, देखो कैसे करना है, तुम्हें ध्यान दो उधर। अब यहां पे तुमको दिखाना है क्रेडिट सेल, देखिए इधर बेटा क्रेडिट से दिखा दी इधर। अब क्रेडिट से कितना है बताओ? नाइन्टी परसेंट है। अब 90% में यहाँ पे एक मिनट देख लो कैसे करना है, यहाँ पे जून, अब जून की ले रहा हूँ पूछो, क्योंकि हाफ मंथ बोला ना उसने, तो आधा प्रीवियस मंथ का भी आएगा ना, जुलाई अगस्त। अच्छा एक मिनट, मैं थोड़ा चेंजेस करूँ क्या? हाँ एक, अपन वैसा कर रहे हैं जैसे अपने कल किया था, है ना, वो अच्छा है ना। चलो तो यहाँ पे अभी 90% क्रेडिट लिख दिया ना, अब यहाँ पे अपन लिखते हैं फॉर जून मंथ, लिखो फॉर जुलाई, सॉरी फॉर जुलाई, ठीक है। अब फॉर जुलाई में आधा आधा 90% जुलाई का जो है, 90% जुलाई का
हाँ 90% जुलाई का जो है वो उसी महीने में आ रहा, सेम मंथ में एवरेज। अब देखो टोटल टोटल सेल कितना है, पहले कहा जुलाई का टोटल सेल कितना है पहले बताओ मुझे, 1,90,000। अब 1,90,000 में से 19 गए यानी 1,71,000। अब 1,71,000 के दो टुकड़े करो 50%, 1,71,000 चाहिए 1,71,000 ठीक है। अब 1,71,000 के दो, ये क्रेडिट सेल है क्या, ये क्रेडिट सेल, हाँ 85, तो 85,500 जुलाई में आएगा। अच्छा लिख लो फॉर जुलाई, तीन चार लाइन छोड़ के लिखो, फॉर अगस्त करते ना करते, और फॉर सितंबर, ऐसे लिख दो जैसे कल अपन ने वेजेस किया ना वेजेस का, वैसे ही करो, ये अच्छा फॉर्मेट रहेगा फिर आपका, फॉर सितंबर। देखो इधर, हाँ नहीं छोड़ देना, मैं करा रहा था एक्चुअली, मेरा अभी बैठा ना मैं, हाँ देखो इधर, हाँ अब सबसे पहले टोटल सेल था जुलाई में 1,90,000, उसमें से 10% उसी महीने में आ रहे कैश सेल्स, ठीक है, बाकी बचे कितने, 1,71,000। अब 1,71,000 बोलते हैं अगले महीने तो अपन बोल देते थे रिकॉर्ड फ्रॉम रिटर्न, लेकिन बता रहे 12 महीने का एवरेज निकाला, तो 12 महीने के एवरेज में मालूम पड़ रहा कि जो रिकवर फ्रॉम डेटर है वो आधा उसी महीने में आ रहा। हाँ तो अब इसका दो टुकड़े करो, 1,71,000 का 85, पक्का, हाँ तो 85,500 ये जुलाई महीने का सेम मंथ में आ रहा, 85,500, और बाकी जुलाई महीने का 85,500 वो रिकवर फ्रॉम डेटर में कहाँ जाएगा, अगस्त में, सॉरी इधर लिखेंगे जुलाई, समझा कुछ, हाँ अभी टोटल निकाल रहे हैं, डोंट वरी, ये क्या कर रहे हैं, रिकवर फ्रॉम कैश, रिकवर फ्रॉम डेटा निकाल रहे हैं वर्किंग। हाँ अब आगे आते हैं, अब जो अगस्त में जाओ, अब अगस्त का टोटल सेल कितना है, क्वेश्चन सामने रखो, तो अगस्त का टोटल सेल है 1,85,000, दिख रहा है तुमको, दिख रहा है, हाँ अब 1,85,000 के 85 में से 10% तो 18,500 गए, ये इधर कर रहा हूँ बाकी, ये देखो 1,85,000 रुपये टोटल सेल है अगस्त का, उसमें से 18,500 तो कैश सेल्स हैं, तो वो तो गए, बाकी बचे कितने, 1,60,500, अब 1,66,500 जो था, तुम्हें ध्यान दो बराबर है, वो उस वो अगले महीने में तो रिकवर फ्रॉम डेटर बन जाता, लेकिन अभी क्या बोल रहा, इसमें से आधा उसी महीने में आ रहा अगस्त में, आधा एवरेज बेसिस पर हम जाए 12 महीने का एवरेज निकाले तो आधा उसी महीने में आ रहा अपने को, तो 1,66,500 का आधा कितना हुआ, तो यहाँ पे हाफ लिख दो, हाफ ऐसा, तो आधा उसी महीने में आ रहा, हाँ तो अगस्त का आधा अगस्त में आ रहा, कितना आ रहा, हाँ 83,250 पक्का, और बाकी का जो आधा है वो जाएगा सितंबर महीने में, कल अपन ने वेजेस का किया था ना, बस सेम आ रहा 83,250। अब आओ सितंबर महीने में, अब सितंबर महीने का टोटल सेल कितना है, देखो 1,80,000, अब 1,80,000 में से 18,000 रुपए तो पीयूष सेम मंथ में आ रहे हैं कैश सेल्स, छोड़ दो उसको, बाकी का बचा कितना, अब 1,80,000 में से 18 गए तो 1,62,000, अब 1,62,000 रुपए में से आधा रिकवर फ्रॉम डेटर उसी महीने में आ रहा, यानी आधा सितंबर महीने का आधा सितंबर महीने में आ रहा, कितना 81,000 रुपए, और बाकी जो आधा आएगा वो कब आएगा, अक्टूबर में, अक्टूबर मेरे हिसाब में आ रहा क्या, नहीं, तो ऐसे हम तीनों महीने का देख सकते थे, लेकिन क्या हुआ अब जुलाई महीने में सिर्फ आधा जुलाई का ही नहीं आ रहा ना, एक जून का भी तो आ रहा, आ तो करेंगे ना, पहले ऐसे करना सीक्वेंस करना, पहले जो हाथ में वो निकलना, समझा रहा उसको, अब हमेशा ऊपर जाना ये अपने दिमाग में कैसे आएगा, तो इसलिए अब ऐसा करना, अब जून महीने में टोटल सेल जाओ, जून महीने में जाओ, जून महीने में, अब जून महीने का टोटल सेल कितना है,
175,000। अब 175,000 में से आधा, सॉरी 175,000 में से 10% कैश सेल था, 17,500 रुपये ये कैश सेल था 175,000 में से, हाँ तो माइनस कर दो, बाकी बचे कितने, 1,57,500। अब इसमें आधा जून का जून में आया होगा, लेकिन आधा जुलाई में आऊंगा और जुलाई मेरी पिक्चर में आ रहा है, तो यहाँ पे कितना रहा, 78,000। तो आधा जून महीने का जुलाई में जो आ रहा है 78,750। तो ऐसे करके रिकवर फ्रॉम डेटर की बात करूँ मैं तो टोटल कितना आ रहा, तो जून जुलाई महीने में टोटल आ रहा मेरे पास, करो प्लस कर दो ये 1,64,250। समझा पीयूष, रिकवर फ्रॉम डेटर इतनी अमाउंट डालनी है वस्तु को। फिर यहाँ पे अगस्त महीने में रिकवर फ्रॉम डेटर आ रहा है टोटल 1,68,750 दिखा रहा है, और यहाँ पे सितंबर महीने में अमाउंट आ रही है 1,64,250। इसको बोलते हैं एवरेज बेसिस पर 12 महीने की कैलकुलेशन के हिसाब से आधा रिकवर फ्रॉम डेटर सेम मंथ में आ रहा है। नहीं तो अलग दिखा रहा है ना, वो कॉलम अलग ही है, अपन ने अलग ही बनाया हुआ कैश सेल वो, हाँ ये रिकवर फ्रॉम डेटर अलग किया अपन ने, इसलिए मैंने आपको कैश सेल की वर्किंग दिखाई है ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। पढ़ो ना, यानी हाफ अमाउंट, सुनो हाफ अमाउंट उसी महीने की भी आ रही और बाकी 10% कैश सेल भी आ रहा, तो सब ऐसे भी टोटल रिसीप्ट जो कंप्यूट करेंगे उसमें दोनों आ जाएंगे। सिर्फ अलग अलग क्यों किया ऊपर बताओ, पूछो, अगर अलग अलग नहीं करते थे जया तो कंफ्यूजन होता था ना, यानी अपने को एक महीने में दो अमाउंट मिल रही है, एक तो आधी उधारी की भी और 10% कैश की भी, तो वैसे भी टोटल रिसिप्ट में तो दोनों आएंगी ना। ये देख कैसे, देखो इधर, अब दो मिनट ध्यान दो, अब यहाँ पे 10% कैश सेल कितना रहा ये निकाल के दिया, देखो ये 18,500 और 18,000 लिख लो पहले, ये 19,000 कितना, 18,500 और इधर 18,000, ये अलग है। अब रिकवर फ्रॉम डेटर में टोटल रिकवर जो है वो सब उसी महीने की नहीं आई ना बेटा, प्रीवियस मंथ की भी तो आ रही है अपने पास, तो इसलिए टोटल अमाउंट निकालने के लिए अपन ने दो टुकड़े किए सेल्स के, समझा प्रीति, हाँ यानी टोटल जुलाई में अपने को रिकवर डेटर से कितने आ रहे, दो अमाउंट आ रही, एक तो जुलाई की आधी आ ही रही प्लस जून की भी आ रही आधी, समझा साक्षी, इधर सोनू इधर, हाँ तो बताओ जुलाई महीने में रिकवर फ्रॉम डेटा टोटल कितना आ रहा है, 1,64,250। ठीक है, फिर अगस्त महीने में टोटल रिकवर कैश रिकवर फ्रॉम डेटर कितना आ रहा है, 1,68,750। और सितंबर महीने में टोटल रिकवर फ्रॉम डेटर आ रहा है 1,64,250, क्योंकि सितंबर महीने में सितंबर का तो आधा आ ही रहा है सेम मंथ का प्लस प्रीवियस मंथ का भी आ रहा है। ठीक है, तो 1,64,250 इस तरीके से करना है जैसे अपन ने वेजेस का किया था कल, हो गया। अब नोटा आने के सोर्सेस और है क्या, देखो तो एक बार, दो ही है, एक बार देख लो फिर भी ठीक है, नहीं है तो फिर बस एक लाइन छोड़ के एक लकीर खींचो, देखो एग्जाम्पल अभी के तारीखों में
देखा जाए तो अच्छी लेवल है, तो हमारे हमारे टाइम पे इतनी लेवल आती नहीं थी एक्चुअली। नहीं अच्छा है, लेवल अच्छा दिया, यानी आपकी यूनिवर्सिटी का जो पोर्शन है मुंबई यूनिवर्सिटी से मैच करता है पूरा। हाँ मुंबई में बैफ वगैरह होता ना, बैफ वगैरह कोर्सेज है ना मुंबई में, आपको मालूम है BFM, तो ये सब जो कोर्सेज है उसमें ये सब लेवल्स है, तो अच्छा लेवल कॉम्पिटेट किया है तुमको, यानी पैसा दे रहे हो तो वर्थ है कुत्ता। हमारे टाइम पे इतने हाई लेवल नहीं थे। चलो अब आओ परचेस का। अब परचेस पूरा उधारी नहीं है ना भैया, तो इसके फिर दो कॉलम बनेंगे, तो कैश परचेस अलग करो। अब परचेस करने से नोट आती ना, और पेमेंट फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, इन कैश करना ही नहीं है, वो दिख वो कैश जा रही बस वो दिखाना है अपने को 80%। चलो आओ इधर, अब जुलाई महीने का पहले, जुलाई महीने का, अब जुलाई महीने का टोटल परचेस कितना है देखो, तो जुलाई महीने का परचेस है 142। एक मिनट, सॉरी माय मिस्टेक, 1.5 लाख। अब 1.5 लाख में से 20% कैश परचेस है, तो 20% की पेमेंट उसी वक्त गई होंगी। हाँ तो 30,000 रुपये, देखो देखो कैसे करना है, 30,000 रुपये पेमेंट मेरी उसी महीने में गई होगी। अब 1.5 लाख में से 30,000 गए, बाकी बचे कितने, 1,20,000, वो अगले महीने में जा रही तो हो जाएगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स अगस्त में, तो अगर अगस्त में अलग से देना, ठीक है समझा कैसे करना है। फिर अब आओ अगस्त महीने की परचेस, अब अगस्त महीने में टोटल परचेस किया है मैंने 1,45,000, अब उसका 20% कितना आएगा, हाँ 29,000 रुपये, तो 29,000 रुपये सेम मंथ में हमने पेमेंट की उसकी। अब 1,45,000 में से 29 गए कितने होते, 1,16,000, तो 1,16,000 रुपये अपन कब पे करेंगे, अगले महीने, तो ये बन जाएगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ये अपन ने किया हुआ है सेल्स में, वही है बस, अभी उसने परचेस कर दिया उसने बस, ठीक है। अब आओ बोलो क्या सितंबर में, अब सितंबर का टोटल से परचेस देखो कितना है, परचेस 1,35,000। अब 1,35,000 में 20% हमने पेमेंट उसी वक्त किया है 27,000 रुपये, तो 27,000 रुपये कैश परचेस लिख दो, और बाकी का अपने अपने हिसाब में बैठरा भी नहीं छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे ये अमाउंट छोड़ी हुई है ना तो ये भरनी है, उसके लिए एक महीना पहले आओ। अब जुलाई के पहले क्या आता है, जून। अब जून का टोटल परचेस देखो कितना है, 1,42,000। अब 1,42,000 में 20% हमने उसी महीने पे की होंगी जो अपने हिसाब में बैठरा नहीं, 28,400 माइनस कर दो, बाकी बचे कितने, 1,13,600 रुपये। ये पेमेंट कब करोगे, जुलाई महीने में करोगे ना, तो ये जुलाई में आएगा ना इधर, तो देखो यहाँ पे 1,13,600 रुपये, तो यहाँ तुमको दिखाना पड़ेगा, ये जून महीने का है 80%, ओके, और 20% हमने सेम महीने में किया होगा जून में, जो अपने को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे करना है समझा आपको क्लियर। अब दूसरा है वेजेस का, अब वेजेस का फिर अपने को वर्किंग करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि वेजेस के लिए बोला है उसे हाफ मंथ, तो जैसे अपन ने सेल किया ना सेल क्रेडिट सेल, वैसे आपको वेजेस की करनी पड़ेगी, वेजेस हाफ आधी 15 दिन की पगार में उसी वक्त दे रहा हूँ, और 15 महीने की अगले महीने दूंगा, यानी हाफ मंथ की पगार उसी महीने दे रहा हूँ और हाफ महीने की पगार अगले महीने में दूंगा, ऐसा होता है, तो यहाँ पे उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हाफ जब मैं ये महीने में से अब ये महीने की हाफ दे रहा हूँ ना, पिछले महीने की भी तो हाफ यहाँ दे रहा हूँ, यानी हर 15 तारीख को हम वेजेस पे कर रहे हैं, समझ 15 तारीख को, समझ आ रहा है 15 दिन में। चलो अब दो मैं ध्यान दो, तो यहाँ पे नंबर थर्ड वर्किंग कर रहा हूँ फॉर वेजेस, लिखो, मैंने आपको कहा था ना एग्जाम्पल से बड़ी क्या है वर्किंग,
देखो वेजेस, अब यहां पे सेम मंथ में तीनों कर दो, फॉर जुलाई 2016 तीन चार लाइन छोड़ के, फॉर अगस्त 2016 और तीन चार लाइन छोड़ के, फॉर सितंबर 2016, ठीक है। अब ऐसे कैसे करना है देखो ध्यान दो, अब टोटल पहले जुलाई महीने का वेजेस निकालो, कितना है जुलाई महीने का वेजेस, 1,24,000 है ना तुम बोल रहे हो, ये क्वेश्चन में है ना बाबा, क्या बार बार में क्या ऊपर करते बैठू क्या, 1,00,000, हाँ अब 1,24,000 रुपए की वेजेस पेड करना है, लेकिन आधी मैंने सेम महीने में किया है ना, जुलाई का आधी जुलाई में किया है, तो आधी कितना आएगा 50%, तो करो कितना आएगा फिर, अब 1,24,000 का आधा 62, तो 62,000 रुपये जुलाई में, जुलाई की पेमेंट की हुई है, ओके। और बाकी जुलाई, जुलाई की आधी पेमेंट कब करूँगा मैं, तो यहाँ पे दिखाओ, हाफ जुलाई की दिखाएंगे 62, ठीक है। अब आओ अगस्त में, अब अगस्त में अगस्त की टोटल वेजेस कितनी करी तुमको, 1,20,000, अब 1,20,000 में से आधी यानी 60 हम अगस्त में अगस्त की पे करेंगे, और आधी अमाउंट हम पेड करेंगे सितंबर में, तो ये सितंबर में कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अब आप नोटिस करो, मैं एक महीने में सिर्फ एक महीने की पगार नहीं बढ़ रहा हूँ, प्रीवियस मंथ की भी पगार बढ़ रहा हूँ, दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है तुमको। अब आओ सितंबर महीने में, सितंबर महीने का टोटल वेजेस कितना है, 1,18,000, अब 1,18,000 का आधा कितना होता, तो 59,000 पेमेंट हम सितंबर की सितंबर में कर रहे हैं, आधी 59 पक्का, और बाकी आधी कब करेंगे, अक्टूबर में, अक्टूबर मेरे हिसाब में बैठ रहा भी नहीं, छोड़ दो, लेकिन अपने हिसाब में अब बात जुलाई की आ रही, अब सब जुलाई में से मैं जुलाई की आधी नहीं कर रहा ना पेड, इसके प्रीवियस मंथ की भी तो कर रहा मैं, देखो टेक्निक सीखो टेक्निक, तुम करते हो पैनिक, पैनिक होने में कोई चीज़ नहीं है, कॉमन सेंस है सब, जब हर महीने में दो दो महीने की आ रही तो इधर भी दो महीने दिखानी पड़ेगा ना अपने को। चलो अब बताओ जुलाई महीने में क्या सब जुलाई की पेमेंट किया के जाए तूने, अगस्त सॉरी इसके पहले प्रीवियस मंथ कौन सा है, जून, जून की भी तो पेमेंट होगी, अब जून की वेजेस निकालो, जून में कितना वेजेस देखो है, 1,00,000, अब 1,22,000 का आधा कितना होता, 61,000 रुपये जून की जून में की होंगी, लेकिन बाकी 61 कब की होंगी, जुलाई में, और जुलाई तो अपने हिसाब में बैठ रहा ना, तो जुलाई में मैंने दो अमाउंट पेड की थी, जून की भी और जुलाई की भी, तो ऐसे करके मैं वेजेस टोटल कितना पे कर रहा हूँ, तो तीनों महीने में निकालो, तो ये आएगा 1,23,000 रुपये, यानी वेजेस जुलाई महीने में टोटल पेमेंट जा रहे 1,23,000 रुपये, वो कैसे जा रहे हैं मैंने आपको वर्किंग दिखा दिया, और अगस्त महीने में 22 और चलो अब यहाँ पे वेजेस दिखाओ, ये तीनों अमाउंट बस कितना था, 1,23,000, 1,22,000 और 1,19,000 ना, हो गया। अब बाकी जो है एक्सपेंसेस वो सेम मन में बोल रहा है, तो सेम महीने का करो, कितना है, 17,000, 16,000, 15,000, ठीक है। अब हर महीने रेंट पेड किया है, इसके अलावा कितना दे रहा है, 1,500 रुपये, तो 1,500 रुपये आपको हर महीने दिखाना है, मंथली है ना, तो नहीं ये सेम मंथ स्पेसिफाइड नहीं है, सेम मंथ करेंगे। हमारे सर ने पता क्या सिखाया था हमको, हमारे सर ने सिखाया था अगर कोई एक्सपेंस स्पेसिफाइड नहीं है ना, तो अगले महीने की पेड करो, और ऐसे ही होना चाहिए एक्चुअली, लेकिन अभी तुम्हारे न्यू ऑथर्स के बुक्स में यही दिख रहा है सेम मंथ में, और हम नीचे फुटनोट दे देना। एक बार फिर भी मैं एक्सपेंसेस का कंफर्म कर दूंगा, हो सकता है ये एक्सपेंसेस में चेंजेस कराऊं मैं, हेलो फिर से बोल रहा हूं मैं,
हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया था कि अगर कोई एक्सपेंस स्पेसिफाइड नहीं है तो अगले महीने पेड करो, लेकिन अभी जो ऑथर्स की बुक दिख रहे हैं मेरे को वो सेम महीने में दिखा रहे हैं हमको, तो इसके लिए मैं फिलहाल आपको रिमार्क दूंगा कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ बाद में। हाँ चलो हो गया, यहाँ पे और कुछ नहीं है। चलो अब टोटल करो उसकी, लिखो यहाँ पे टोटल चलो अब यहाँ पे दो मिनट ध्यान देंगे ये सभी लोग। हाँ अब टोटल रिसिप्ट, अब टोटल रिसिप्ट करो कितना रहा पहले मैंने कहा 1,15,000 प्लस 19 प्लस 1,64,000 298,250 नोटा आ रही 298,250 और पेमेंट कितनी आ रही यानी बच रहा पैसा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है कितना 13,150। अब पहले महीने का क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट मंथ का, दूसरे महीने का ओपनिंग बैलेंस, तो ये कैरी फॉरवर्ड करना है तुमको, कहाँ करना है कैरी फॉरवर्ड इधर, ठीक है कितना है बताओ 150। हाँ अब यहाँ पे दूसरे महीने का रिसिप्ट की चलो टोटल 2,400,000 हाँ 200,400 और पेमेंट की तैयारी ओके और क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना रहा माइनस में आ रहा 88,000। अभी ओवरड्राफ्ट लिया अपन ने तो नेक्स्ट महीने का ये ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, नहीं वो माइनस नहीं यहाँ दिखाना है पेमेंट में, बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाना है यहाँ पे, यानी तुम वहां पे ओपनिंग कैश बैलेंस में माइनस भी दिखा देते हो इधर भी, तो रिसिप्ट में से माइनस करना या तो पेमेंट साइड में ओवरड्राफ्ट दिखा देना। हाँ बता चलता है वो भी चलता है, जैसे अभी ये माइनस, एक मिनट शांत बैठो प्लीज, तुम लोग आपस में बातें मत करो। अब ये माइनस 88,000 तू यहाँ पे दिखा सकता है ऐसा, और यहाँ दिखाया तो फिर ये बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ अब रिसिप्ट में से इसको माइनस करना। हाँ बोल, नहीं चलता है ये तीसरे महीने में करना, क्योंकि पेमेंट अपन तीसरे महीने में कर रहे हैं इसकी, दूसरे महीने का कर्जा कब फेड़ेगा तू। अब ये 18,000 और 1,64,250 में से इसको माइनस करना है ये। हाँ ये रिसिप्ट लिख देना फिर, यानी 1,18,000 प्लस 1,64,000 कितने हो रहे। अब ऐसे 18,000 और 1,64,250 है ना, प्लस करना उसके कितने हो रहा 182,250, उसमें से 88,100 माइनस कर दे तो 94,100 ये आ गया रिसिप्ट में, चलता है। फिर यहाँ पे अगर लिखा है ऊपर अगर तुमने तो ये बैंक ओडी दिखाने की जरूरत नहीं है तुमको, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ओवरड्राफ्ट दिखाओ, ये मेरा रिकमेंडेशन है, इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। वैसा भी चलता है वैसे भी चलता, समझा आपको क्लियर। बैंक ओवरड्राफ्ट करके दिखाना है तो पेमेंट में इसकी टोटल ले लेना, और नहीं तो यहाँ पे माइनस दिखा के आप रिसिप्ट में से इसको माइनस कर देना। अब पेमेंट करो कितना रहा, पेमेंट की टोटल करो कितना रहा 2,78,500। अब उसमें से माइनस कितना रहा, माइनस
184,350. आप रे बाबा, फिर से बोलो, माइनस 184,350. अब देखो, अगर तुमने नीचे ओवरड्राफ्ट दिखाया तो भी आंसर वही आएगा. अब मैं करके दिखा रहा हूं, देखो ध्यान दो. बट ओवरड्राफ्ट दिखाया तो एक स्टैंडर्ड दिखता है. पूछो क्यों? क्योंकि याद करो, अपन जब रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बनाते थे, याद है आपको, तो अपन अगर पेमेंट अब ओवरड्राफ्ट पेड करोगे तो नोटा आएंगी कि जाएंगी, तो पेमेंट साइड दिखाया तो स्टैंडर्ड दिखता ना वो, इसलिए. तो यहाँ पे अगर दिखाते, चलो एक बार दिखते, अब यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं बैंक ओडी कितना, माइनस 88, सॉरी यहाँ माइनस नहीं है ना, यहाँ पॉजिटिव है ना, क्योंकि पेमेंट है ना ये, तो 88,100 यहाँ दिखाया, ये पेमेंट किया तो अपन यहाँ. और फिर यहाँ पे तुमको ऊपर दिखाने की जरूरत नहीं, फिर ऊपर यहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस कुछ नहीं आएगा फिर यहाँ पे. अब करो रिसिप्ट की टोटल कितनी आ रही, देखो. हाँ तो पेमेंट उतनी कम आएगी ना फिर, 180,250. और पेमेंट कितनी आएंगी फिर, 3,64,66. ऐसा पक्का? हाँ. अब अगर माइनस किया तो आंसर वही आएगा, माइनस 81,84,350. अब नीचे लिखो आंसर, आंसर आंसर इधर वर्किंग के पहले लिखो. कौन सी कंपनी थी? लाइनेक्स. लाइनेक्स वायर इंडस्ट्रीज, लाइनेक्स वायर इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इन द मंथ ऑफ. कौन से महीने में चाहिए? हाँ? क्यों, इधर भी तो माइनस में आया, अगस्त में भी चाहिए ना. अरे माइनस में ना, ये नीचे देखना क्लोजिंग बैलेंस, अगस्त की पेमेंट ज्यादा है, रिसिप्ट कम है ना. तो इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर फॉर द अमाउंट, ये आपको दिखाना है नीचे, फॉर द अमाउंट रुपीस कितना था, 88,100 एंड 184,350 रिस्पेक्टिवली. हो गया आंसर. और नीचे लिखो, नीचे लिखो फुटनोट लास्ट में वर्किंग के बाद. अब देखो इतना लिखने के बाद 8 मार्क मिलेंगे. Due to absence, देखो due to absence information, absent information, due to absence of information regarding expenses, I considered. Expenses is paid in same month. ये पेपर में लिख क्या ना, हमको नहीं पता तुमने कब पेड किया भैया, तो हम ये मांग रहे सेम मंथ में किया. अच्छा अब यहाँ पे तुम अपने मेरे बारे में लिखो, लिखो मेरे बारे में, मेरे लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लिखा रहा हूँ एक चीज़, सब्जेक्ट टू चेंज लिखो ब्रैकेट में. मेरे सर ने मुझे क्या सिखाया था, मैं आपको बता रहा हूँ. हमारे सर ने कहा था कि बेटा अगर कोई महीने में
तुम वो एक्सपेंस पे कर रहे हो और उसके बारे में कुछ नहीं दिया है तुमको, तो हम ये मान के चलते हैं कि नेक्स्ट मंथ में पे होता है। लेकिन अभी की जो ऑथर्स की बुक में देख रहा हूँ उसमें सेम मंथ में दिखा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको सेम मंथ में करा रहा हूँ। लेकिन मैं एक बार फिर भी अपने सर से, ही इज़ वेल एक्सपीरियंस पर्सन, 72 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है, मैं उनसे कंसर्न करूँगा। और इसलिए फिर अगर उन्होंने बोला नहीं नेक्स्ट मंथ में ले, तो मैं आपको सब्जेक्ट टू चेंज लिखवा के दूंगा। क्लियर पिक्चर, समझा गया? क्लियर? मैं कल परसों बात करता हूँ बेटा। तुम लोग कैसे फ्रेंकली बात करते हो, हम लोग सर से थर थर कांपते आज भी अपने बात करने के लिए, वो इज्जत है। एक टांट नहीं पड़ रहा, हम लोग जब बात करते ना सर से तो ऐसे डरते आज भी भाई, क्योंकि हमारे सर बोलते आओ जा बुक रेफर कर, चल बुक से पढ़, सब चीज़ें मैं दूंगा क्या, मैं हमेशा रहूँगा तेरे साथ, तो ऐसे बोलते थे मेरे को। तो इसलिए फिर मेरे को बुक्स पढ़ते बहुत सारी, फिर मैं इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जाता हूँ सर अब नहीं तुम्हारा बताओ हमको सिखाओ। चलिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, कल एक नया एग्जाम्पल लेंगे नई वैरायटी के साथ।